हिंसा के खौफनाक चक्र के बाद राजधानी दिल्ली में अब जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रही है। दुकानें खुलने लगी हैं, गाड़ियां निकलने लगी हैं, बाजार में चहल पहल देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच गई है। हिंसा की किसी भी साजिश को कुचलने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने रात भर हिंसाग्रस्त इलाकों में गश्त की। मौजपुर, करावल नगर, भजनपुरा, सीलमपुर और जाफराबाद जैसे इलाकों में पुलिस की भारी बंदोबस्त है। पुलिस एहतियातन लोगों से सावधानी बरतने की बात कह रही है और अफवाहों से बचने की अपील भी पुलिस लगातार कर रही है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे कथित देश विरोधी नारों के मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह मंजूरी दी है, जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा। इस मामले में स्पेशल सेल को मुकदमा चलाए जाने के लिए मंजूरी देने की फाइल काफी वक्त से लटकी हुई थी। अब दिल्ली सरकार को मंजूरी के बाद कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति मिल गई है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद अनिबार्न, आकिब हुसैन, मुजिब अमरगुल, बशरत अली और खालिद बसीर पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर संगम नगरी प्रयागराज में दिव्यांगों और बुजुर्गों का अनूठा कुंभ आयोजित किया गया। संगम नगरी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बमरौली एयरपोर्ट और सीएम योगी और राज्य की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रयागराज में एक दिन के इस अनूठे कुंभ में पीएम मोदी ने 27,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहायता उपकरण भी मुफ्त में मुहैया कराए। कई लाभार्थियों को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से उपकरण दिए। बाकी लोगों को भी कार्यक्रम स्थल पर ही उपकरण मुहैया कराए जाने के इंतजाम किए गए। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों से मन की बात की, साथ ही दिव्यांगों से उनके अनुभव भी जाने। प्रयागराज में दिव्यांगों और बुजुर्गों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उन्हें आगे बढ़ने और मजबूती बनने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज का कार्यक्रम दिव्यांगजन के सम्मान और सहयोग का है। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ ही यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह तोमर भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले को पीएम मोदी ने प्रयासों और आशीर्वादों के कारण वैश्विक मान्यता मिली है, गंगा साफ हुई है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से दिव्यांगजन को सम्मान मिला है। दिव्यांगजनों को मोटरसाइकिल, ट्राई साइकिलों को बांटा गया है। विकलांग लोगों को 500 रुपये मासिक पेंशन भी मिल रही है। हम बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लोगों को सभी विकास योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। संगम नगरी प्रयागराज के परेड मैदान में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए। पहला रिकॉर्ड बना हैंड ऑपरेटेड ट्राई साइकिल की सबसे बड़ी परेड का। इसमें 300 ट्राई साइकिल की परेड कराई गई, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पीएम की मौजूदगी में 1 घंटे में सबसे ज्यादा दिव्यांगों को हैंड ऑपरेटेड ट्राई साइकिल बांटने का बना। और तीसरा रिकॉर्ड व्हील चेयर सबसे लंबी कतार का बना है, जिसमें 400 व्हील चेयर को एक लाइन में 2 किलोमीटर लंबा रन कराया गया। इस 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ संगम नगरी में पिछले 1 साल में अब तक 8 विश्व कीर्तिमान बने हैं। प्रयागराज के दिव्यांग कुंभ में शिरकत करने के बाद पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप के पास से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा और औरैया होते हुए इटावा के कुदरैल गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। इससे बुंदेलखंड से देश की राजधानी दिल्ली तक आने जाने में समय और संसाधनों की बचत होगी। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली तक की दूरी कम होगी, जिससे डीजल और पेट्रोल की खपत घटने से प्रदूषण भी कम होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिबरल और लेफ्ट दलों के लोगों पर जमकर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मैं अपने उदारवादी वामपंथी मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमें हरा कर आप अपनी सरकार बना लें। आप हमें उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता और मानवाधिकार न सिखाए। क्या आपने कभी आतंकवाद और अतिवादी हिंसा पीड़ितों के मानवाधिकारों के बारे में बात की है? कभी नहीं।
रविशंकर प्रसाद ने कागज दिखाने को लेकर भी लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वे कोई कागज नहीं दिखाएंगे, ये ठीक है। यही लोग दस्तावेज मांग रहे थे कि अयोध्या में रामलला पैदा हुए हैं कि नहीं। इस तथ्य को इन लोगों ने भुला दिया है कि दुनिया हजारों साल से मान रही है। ये दोहराव, पाखंड और बौद्धिक बेईमानी है। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के राजधर्म पालन करने की अपील की थी। राजधर्म पर एक बार फिर सियासत बढ़ गई। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम न करे। केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने शनिवार को एक ट्वीट किया, कानून मंत्री कांग्रेस से कहते हैं कि प्लीज हमें राजधर्म न सिखाएं, हम कैसे आपको सिखा सकते हैं। मंत्री महोदय, जब आपने गुजरात में वाजपेयी जी की नसीहत नहीं सुनी, आप हमें क्यों सुनेंगे? सुनना, सीखना और राजधर्म का पालन करना आपके मजबूत बिंदुओं में से एक नहीं है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निर्माण के बाद अब भव्य राम मंदिर को बनाने की तैयारियां तेज हो गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को रामलला के दर्शन किए और पूरे मंदिर परिसर का जायजा लिया। निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नृपेंद्र मिश्र की यह पहली अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने सुबह हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। मिश्र के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी जिलाधिकारी अनुज झा भी मौजूद थे। इससे पहले नृपेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी राम मंदिर निर्माण को लेकर मुलाकात की थी। नाव रेप कांड में पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित हत्या मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने शनिवार को फैसला टाल दिया है। अब कोर्ट 4 मार्च को फैसला सुना सकती है। रेप पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर है। इस मामले में कुलदीप समेत कुल 10 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। बेटे की पत्नी संग सीतापुर जेल में बंद चल रहे सपा सांसद आजम खान शनिवार को रामपुर कोर्ट लाए गए। कोर्ट में आजम की पेशी की सूचना पर सपाइयों की काफी भीड़ जुटी। आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। इस बीच मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन और संभल से निवर्तमान जिलाध्यक्ष फिरोज भी कचहरी परिसर पहुंचे। आजम को मीडिया से बातचीत बचाते हुए कोर्ट में पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मिर्जापुर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए आजम खान की जेल भेजे जाने को लेकर कहा कि कोर्ट के आदेश से ही उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। मामले में अगर सरकार चाहती तो आजम खान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता। उत्तराखंड में यातायात नियम तोड़ने वालों के अब घर सीधे चालान भेजने की व्यवस्था पुलिस ने कर ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज यातायात सुरक्षा को देखते हुए ई चालान व्यवस्था की शुरुआत की। सीएम ने यातायात को लेकर पुलिस लाइन में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने नए इंस्पेक्टर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 और वाहन यातायात पुलिस को खरीदने की मंजूरी दी गई है। सीएम ने पुलिस को दबाव में काम न करने की सलाह देते हुए अभिभावकों से भी बच्चों को वाहन न देने की अपील की है। हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुरादाबाद मंडल रेल कार्यालय से ही उत्तराखंड में रेल संचालन किया जाता है, लिहाजा अधिकारियों की बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोगों के हरिद्वार आने की उम्मीद है। इसी के चलते यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। बेलपड़ाव के करकट नाले का प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बंशीधर भगत ने शिलान्यास किया। ये नाला 2 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहले आपने देखा होगा कि इसमें एक शिलान्यास का पत्थर लग गया था और ना इसमें भूमि ट्रांसफर की गई, ना ही इसमें बजट दिया गया। वर्तमान सरकार ने इसकी भूमि ट्रांसफर भी करवा दी और इसका पैसा भी आ गया है। जल्द ही ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार में खाली पड़े दायित्व 15 सूत्री
क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी रहे शादाब शम्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शादाब शम्स ने कार्यभार ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सभी वर्ग के लोगों का साथ और विकास की बात कही जा रही है, वही मेरा भी कार्य होगा कि सभी लोगों के विकास के लिए मैं काम करूँ। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बलरामपुर रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद एमपीपी इंटर कॉलेज में बने यूपी बोर्ड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी जा सकते हैं। लेह लद्दाख में 15 अगस्त को 111 किलोमीटर दौड़ होने जा रही है, जिसमें देहरादून की बेटी और वर्तमान में सहारनपुर में मेजर शशि मेहता की हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन उनकी घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनका सहयोग करेगी तो वो भी दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि मेजर शशि मेहता एक एनसीसी अधिकारी हैं, जो इससे पहले भी देहरादून से धलौन तक 47 किलोमीटर दौड़ लगा चुकी हैं, जिसे उन्होंने मात्र 10 घंटे 44 मिनट में पूरा किया था। फरुखाबाद में मंडी समिति निदेशक जितेंद्र प्रताप ने कमालगंज कृषि उत्पादन मंडी समिति में 1,44,00,000 की लागत से चल रहे सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। जितेंद्र प्रसाद ने मंडी परिसर में गंदगी और अतिक्रमण देख नाराजगी व्यक्त की और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की बात कही। वहीं गल्ला आढ़त पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह देसी कांटा लगा देख मंडी निदेशक ने सचिव की क्लास लगा दी। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर और महाराजगंज के नोडल अधिकारी जयंत निरंकर ने फोरेंदा ब्लॉक के बनवाटिया ग्राम सरपार नर्सरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं की हकीकत भी जानी। इस दौरान कमिश्नर ने ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में झोलाछाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है। झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा अपने हाथ में ले रखा है, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। उत्तराखंड में गरीब परिवार के बच्चों की मुफ्त पढ़ाई को लेकर राज्य सरकार ने बताया बकाया राशि के भुगतान पर पहल की है। इसके लिए राज्य सरकार ने आरटीई बकाया भुगतान के लिए 107 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दे दी है। राज्य में पिछले लंबे समय से शिक्षा के अधिकारी के तहत गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा था। निजी स्कूलों के सख्त रुख के बाद राज्य सरकार ने स्कूलों को धनराशि प्रदान की है। डोईवाला में किसान गन्ने के बकाया भुगतान के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि बकाया भुगतान को लेकर सरकार हर बार किसानों को गुमराह कर एक नई तारीख देने का काम कर रही है, जिससे नाराज किसानों ने डोईवाला मिल गेट पर धरना देकर सरकार से गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग की। साथ ही किसानों ने कहा कि होली का त्यौहार आ रहा है और आज भी किसानों का 10,72,00,000 रुपए गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है, जिससे किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वहीं किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बार सरकार उनका बकाया भुगतान नहीं करती है तो किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा रखा है, लेकिन इस सभी के बावजूद लोग सिंगल यूज पॉलिथीन का ढलले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सुल्तानपुर में प्रशासन ने 2 ट्रक पॉलिथीन जब्त किए हैं। दरअसल नगर पालिका प्रशासन को सफाई कर्मियों ने इसकी सूचना दी थी। जानकारी के मिलने पर जब मौके पर नगर पालिका प्रशासन पहुंची तो मौके से ट्रांसपोर्ट का मालिक और अन्य कर्मचारी फरार हो गए। हमीरपुर खनन घोटाला मामले में सीबीआई की जांच पूरी हो गई है। अंतिम दौर में खनन घोटाले की जांच पूरी होने के 5 दिन बाद सीबीआई की टीम दिल्ली वापस लौट गई है। सीबीआई इस केस में 14 पट्टों को आधार बना रही है। जल्द ही इस केस में बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। सोनभद्र में खदान में अवैध खनन कर रहे मजदूर मलबे में दब गए हैं। ये
मामला ओबरा थाना इलाके के शारदा मंदिर के पास अवैध पत्थर खनन का है, जहां खदान में खनन के लिए कंप्रेसर मशीन से ड्रिल करके विस्फोटक भरने का होल किया जा रहा था, तभी कंपन से पत्थर का टीला वहां काम कर रहे मजदूरों के ऊपर गिर गया। सूचना मिलने पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। वहीं दो मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब भी खदान में कम से कम 6 से 8 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं स्थानीय लोगों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जबरदस्त आक्रोश बना हुआ है। दिल्ली हिंसा में उत्तराखंड के युवक की मौत हो गई। पौड़ी जिले के चासी सैण क्षेत्र का एक नौजवान दिल्ली हिंसा में मारा गया। दलवीर सिंह के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दिल्ली के शाहदरा में दलवीर सिंह के साथ दबंगइयों ने बर्बरता की। जिस दुकान में वो काम कर रहा था उसमें आग लगा दी गई। दलवीर की हत्या में पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। महाराजगंज के स्थानीय बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर आए अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े चोरी को अंजाम दिया। जब तक दुकानदार को समझ पाता तब तक चोर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश में जुटी गई है। दुकानदार ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में हुई हिंसा की भेंट, हापुड़ का रहने वाला एक युवक चढ़ गया है। दिल्ली हिंसा में सुलेमान की जान चली गई। सुलेमान की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। दरअसल सुलेमान थाना बाबूगढ़ के गांव भिखनपुर का रहने वाला था, जो दिल्ली के करावल नगर में राजमिस्त्री के साथ लोहे का जाल बांधने का काम करता था। 26 फरवरी को सुबह सुलेमान लेंटर पर काम कर रहा था, तभी सुलेमान भीड़ की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। वहीं जिले में भारी पुलिस बल तैनाती के बीच सुलेमान का अंतिम संस्कार किया गया। संत कबीर नगर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई और जमकर पत्थर चले। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित कुल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है और सुरक्षा के लिहाज से पूरे गांव में पुलिस फोर्स बल तैनात किया गया है। ये मामला महली थाना क्षेत्र के लखनापार गाँव का है। मेरठ में युवक को लड़की छेड़ना भारी पड़ गया। छात्रा की बहन ने युवक की बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। दरअसल दोनों बहनें पेपर देकर वापस लौट रही थी, इसी दौरान एक मनचले ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए अपद्र टिप्पणी की, जिसके बाद छात्रा की बहन ने मनचले की जमकर पिटाई की है। मेरठ के मेडिकल थाना इलाके में एक भाई ने अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। नगमा का गांव में ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसका भाई वसीम नाराज रहता था। आए दिन घर में झगड़े होते थे, इसी बात से नाराज वसीम ने अपनी बहन नगमा का आज गला रेतकर हत्या कर दी। हत्यारे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में दो चोरों को चोरी करना भारी पड़ गया है। दरअसल नौबास्ता थाना क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में चोर 50 किलो तिल चोरी चुराकर भाग रहे थे। वहीं व्यापारियों को भनक लगने पर चोरों को पकड़कर बंधक बना लिया गया। यही नहीं, चोरों को रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई भी की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेक्टर 5 में देर शाम में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को उस वक्त गोली मार दी जब युवक एक शादी में आया हुआ था। ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक को 3 गोलियां लगी हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द मामले का खुलासा कर देगी। आगरा के कागारौल थाना क्षेत्र में देर रात एक महिला को गोली लगने से हड़कंप मच गया। गोली लगने से घर में चीख-पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि महिला को गोली कैसे लगी। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में युवती का अधजला शव मिला है। युवती की हत्या के बाद उसके शव को जलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बदायूं के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या किस वजह से की गई इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही महिला ने खुदकुशी किस वजह से की है इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
सीतापुर में NH24 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते ट्रक और बाइक में आग लग गई। बाइक सवार तीन छात्र इस हादसे में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों छात्र बाइक पर बैठकर बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार में सवार पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत यहां गंभीर बनी हुई है। सभी लखनऊ से इटावा जा रहे थे। बागपत में कृषि विभाग अब चूहों पर नजर रखेगा और उनको मारने का काम करेगा। कृषि विभाग ने खेतों और रिहायशी इलाकों में हो रहे चूहों के आतंक से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए बकायदा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो चूहे फसलें बर्बाद तो करते ही हैं, बल्कि भंडारण की कई वस्तुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में भी ये चूहे लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसके लिए अब कृषि विभाग ने पकड़ने और मारने की तैयारी में है। मिर्जापुर में पहली ई रिक्शा महिला चालक प्रज्ञा लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण और दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के साथ अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रही हैं। स्कूली बच्चों और महिलाओं पर इनका खासा असर हो रहा है, लोग इनसे प्रेरित हो रही हैं। सड़क पर पहली बार किसी महिला को ई रिक्शा चलाकर सीट पर बैठा हुआ देखकर सभी लोगों को गर्व महसूस हो रहा है।